बांग्लादेश के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव रिंकू सिंह का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा करके रख दी धज्जियां। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम ला दिया और पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोते विलखते नजर आए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी रोंगटे खड़े हो गए। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करने के लिए। लेकिन इन दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तहरी तहरी सत की पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला बॉल बाई बॉल का दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच चौथे T20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम पहला और दूसरा तीसरा T20 मुकाबला हारने के बाद काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी और चौथा T20 का मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही थी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज SSV जायसवाल और शुभमन गिल ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। SSV जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से दो कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के से शुरुआत की। SSV जायसवाल ने पहले ही ओवर में शानदार तरीके से 14 रन समेट लिए और वहीं शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर एक छक्का और दो गगनचुंबी चौका ठोक दिए। वहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान क्योंकि भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। SSV जायसवाल ने चौथे ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक तरीके से अपने बल्ले को लहराते हुए लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। SSV जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। SSV जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। SSV जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज SSV जायसवाल तूफानी विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए यहां पर 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 2 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज SSV जायसवाल ने 6ठे ओवर की पहली ही बॉल पर एक कवर ड्राइव को चौका ठोक दिया तो वही 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया तो वही 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक SSV जायसवाल के हाथों में रही और SSV जायसवाल ने 6ठे ओवर की 4थी बॉल पर एक छक्का फिर ठोक दिया और 5वीं यहां पर बॉल पर तूफानी विस्फोटक तरीके से एक कवर ड्राइव को चौका ले लिया जहां पर SSV जायसवाल ने 21 रन ठोक दिए। SSV जायसवाल तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। SSV जायसवाल और सुमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा करके रख दी और सुमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से 7वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन भारतीय टीम को 8वें ओवर की 4थी बॉल पर काफी बड़ा झटका लगा जब सुमन गिल 52 रन ठोक करके आउट हुए। सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत काफी खूंखार। विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया जब मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें यहां पर शुभमन गिल आउट हुए। आप सभी को बता दें सुमन गिल के आउट होने के बाद जब SSV जायसवाल आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। SSV जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या और SSV जायसवाल दोनों
तूफानी विस्फोटक शेयरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 9 ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और ऋषभ पंत यहां पर 10वें ओवर की 4थी बॉल पर सिर्फ 16 रन बनाकर के आउट हो गए। अब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जब आउट हुए तो मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जो ऐतिहासिक पारी खेल करके चला गया। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, हर किसी का उस बल्लेबाज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हम बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जिसने 11वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर थर कांपने लगे। सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहरा मचा रही थी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए, लेकिन सूर्य कुमार यादव को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो बार बार दौड़कर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार सूर्य कुमार यादव के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। लेकिन 48 रन ठोक करके जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। जी हम बात करने वाले हैं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह काफी आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में तूफानी विस्फोटक तरीके से 13वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान सूर्य और रिंकू की बल्लेबाजी से काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर फील्ड पर सूर्य और रिंकू का नाम गूंज रहा था। सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर एक अपना ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहरा मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। तो वहीं 14वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का रिंकू सिंह ने ठोक दिया। तो वहीं 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया जहां पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव के हाथों में आ गई और सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया जहां पर फिर स्ट्राइक रिंकू सिंह के हाथों में आ गई और रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की चौथी बॉल पर एक चौका ठोक दिया। तो वहीं 14वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने उस ओवर में 28 रन बना लिए। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव काफी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोके। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से कहर मचा रही थी। तो वहीं सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजा। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज का माथा चकरा गया। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, जलजला ला रही थी। रिंकू सिंह तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो कर रहे थे, तो वहीं सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और थर थर कांपने लगे। चौथा
चौथा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की एक न चली। 19वीं ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कोहराम मचा दिया। तो वहीं 20वीं ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार 3 छक्के और 3 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयरों ने 600 से ज्यादा रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से कहर बरसा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन चौथा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए वो काफी ज्यादा उम्मीद से मैदान पर बल्लेबाजी करने के उतरे। चौथा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आए, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से सबसे पहला ओवर लेकर के गए कुलदीप यादव। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज कुलदीप यादव ने पहले एक ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई ने दूसरे ओवर में 2 रन दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी बेहतरीन तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे। यहां पर मोहम्मद सिराज जब चौथा ओवर लेकर के गए तो मोहम्मद सिराज ने यहां पर 8 रन दे दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि चौथे ओवर तक जाते जाते भारतीय टीम को कोई भी विकेट हासिल नहीं हुआ था और बांग्लादेश के बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। छठे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके फिर बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने ठोक दिए, लेकिन फिर यॉर्कर के बादशाह कहे जाने वाले और गेंदबाजी के उस्ताद कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह ने यहां पर 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए और उन दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने यहां पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 विकेट चटका दिए। अब भारतीय टीम को 4 विकेट हासिल तो हो गए 12वें ओवर तक जाते आते, लेकिन बांग्लादेश के 2 घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और वो ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर कहर बनकर टूट पड़े थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि मोहम्मद सिराज जब यहां पर 11वां ओवर लेकर के गए तो लगातार उन्होंने 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 12वां ओवर लेकर जब रवि बिश्नोई गए तो लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव के चौके ठोक दिए। जब 13वां ओवर लेकर के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह गए तो लगातार 5 चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि बांग्लादेश की टीम चौथा टी20 का मुकाबला जीत कर ले जाएगी और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज यॉर्कर के बादशाह कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह ने यहां पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए और इन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जो शत की पारी खेल चुके थे। लेकिन बांग्लादेश के 2 खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज फिर आ गए जो तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जो तूफानी विस्फोटक अंदाज में भारतीय टीम के गेंदबाजों को जम करके परेशान कर रहे थे। लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर मोहम्मद सिराज ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए तो वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट रवि बिश्नोई ने ले लिया, जहां पर पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को 19वें ओवर तक ही भारतीय टीम ने समेट लिया और चौथा टी20 का मुकाबला भारतीय टीम ने काफी बेहतरीन विस्फोटक गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए अपने नाम कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। क्रिकेट से जुड़ी हुई जानकारी और हाईलाइट वीडियो हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेंगी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4, मोहम्मद सिराज ने 3 और रवि बिश्नोई ने 3 और हर्षदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। यहां पर हमारी भारतीय टीम ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए चौथा टी20 का मुकाबला अपने नाम किया। तब तक के लिए